तो वही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी दोनों प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है और इस जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसारा ने। हमारे साथ है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे जी। पांडे साहब, दोनों उम्मीदवारों की जीत हुई है, एक बड़ी रणनीति आपने 10 दिनों तक रिजॉर्ट में बैठकर बनाई, सफल रही? पूर्ण रूप से सफल रही और इसका मैं समझता हूँ कि इन 10 दिनों में पूरा विधायक दल कांग्रेस का, हमारे स्वतंत्र एमएलए और हमारे बीटीपी के एमएलए सब एक साथ मिलकर एकजुट एक परिवार के रूप में रहे, विचारों का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये 10 दिन हमने बहुत ही प्रदेश की राजनीति के स्थिरता के रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव। आपने कहा बीजेपी एक षड्यंत्र रच रही है, राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास कर रही है, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी षड्यंत्र रचा, पूरी तरह से विफल रही? ना ही सिर्फ विफल रही, लेकिन जहां पर वो आपने देखा होगा कि उनके मैं जो जानकारी मुझे मिली है, उनका एक मत भी रिजेक्ट हो गया है। और मुसीबत तो ये थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि मात्र 51 वोटों की जहाँ वो होती है 75 में, हम जो उम्मीदवार उनके चुन के आए हैं उनको मात्र 54 वोट मिले। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि उनका जो सही उम्मीदवार थे, जो अगर जो जो जेन्युइन उम्मीदवार थे, वो भी खतरे के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही थे। और अगर वो कोशिश करते और इस प्रकार की चीज़ों में नहीं पड़ते और सिर्फ षड्यंत्र के माध्यम से और हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख के आधार पर यहाँ पर जो उन्हें ऐसे चलाने का प्रयत्न किया, उसके चलते हुए भाजपा में ही आंतरिक कलह, आंतरिक मतभेद उत्पन्न हुए हैं, जो मैं समझता हूँ कि भाजपा के ही एकता के लिए गंभीर है। पिछले 10 दिनों से लगातार ये चर्चा रही कि बीजेपी की ओर से विधायकों को प्रलोभन दिए, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया, एसओजी में आपने शिकायत की, एसीबी में, अब लगता है 19 के अब आज के बाद इसका खुलासा? निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ तथ्य, कुछ आधार और कुछ सबूत जो जिन विधायकों से बात हुई उनके साथ में जांच एजेंसी जांच पड़ताल कर रही है और बहुत जल्द ही जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। जैसा सीएम साहब ने कहा कि राजस्थान का संदेश पूरे देश में जाए, निश्चित रूप से देखिए आज पूरे देश में क्या हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, आप खुद अपने आंखों से देख रहे हैं कि आज गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, और इसी प्रकार से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद में जहां पर स्थिर सरकारें चुनकर आई थी उनको भी अस्थिर किया गया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, आप देखेंगे त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी जगहों पे जिस प्रकार से चुनकर आए गए जनप्रतिनिधियों को नज़रअंदाज कर और वहाँ की स्थिर सरकार को कमजोर करने का प्रयत्न किया, ये बहुत ही गंभीर विषय है। देश की जनता लोकतंत्र पर विश्वास करना चाहती है, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों से विश्वास कम होगा और देश में एक अराजकता फैलेगी। थैंक यू सर, हमारी ओर से आपको बधाई, आपने 10 दिन तक लगातार बैठकर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे, जिनका कहना है कि बीजेपी की ओर से जिस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया उसमें पूरी तरह से विफल रही है, बीजेपी का एक वोट भी रिजेक्ट हुआ है, साथ ही कांग्रेस ने पूरी तरह से दोनों उम्मीदवार जीते हैं और एक सफलता हासिल की है और इसका संकेत पूरे देश में जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।